चलिए मेरे साथ एक लंबी और बेहद पेचीदा यात्रा पर, इतिहास की बेहद उलझी हुई पेचीदा गलियों की यात्रा पर, जिसमें छल है, कपट है, ठगी है, गद्दारी है, राष्ट्रभक्ति है और भी बहुत कुछ है। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। शुरुआत का बिंदु मैं आपके लिए और अपने लिए तय कर रहा हूँ, 1 जनवरी 1818 सुबह का समय। पुणे के पास भीमा नदी और उसके पास कोरेगांव का इलाका, कोरेगांव का क्षेत्र, जहाँ पर दो सेनाएं आमने सामने हैं। एक तरफ ब्रिटिश फौज, ब्रिटेन की इन्फेंट्री, 500 सैनिक, जिसमें 24 सैनिक ब्रिटिश हैं, बाकी जो सैनिक हैं उसमें तमाम लोग हैं, मराठा हैं, महार हैं, कोली हैं, कुंबी हैं, तमाम तरह की जातियों के लोग उसमें हैं, मुसलमान हैं, तमाम तरह के लोग हैं उस सेना में। दूसरी तरफ 28,000 की पेशवा की फौज है और लाओ लश्कर, लंबा चौड़ा, ढेर सारे घोड़े, हाथी वगैरह सब कुछ हैं। 500 सैनिकों और 28,000 सैनिकों के बीच सुबह लड़ाई शुरू होती है और सूर्य डूबने से पहले, सूरज जब क्षितिज की ओर पहुँच ही रहा है, उस समय ये लड़ाई ख़त्म होती है। और इस लड़ाई के बाद ये एक निर्णायक फैसला होता है कि भारत में शासन किसका रहेगा। दोनों फौज की इस लड़ाई में अल्टीमेटली जो ब्रिटिश फौज है, 500 की फौज, वो फौज जीत जाती है और 28,000 की फौज हार जाती है। और जो 28,000 तो क्या हार गई, उसमें से 5,000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे जाते हैं, बाकी लोग यहाँ वहाँ छितरा जाते हैं। तो ये हुई है लड़ाई, जिसको कि इतिहास की किताबों में भीमा कोरेगांव की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। भारत में इसकी चर्चा कम है, लेकिन आप ब्रिटिश हिस्ट्री की किताबों को पढ़ेंगे, अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम भी आएंगे, ब्रिटिश वॉर म्यूजियम, तो पूर्व की दिशा की सबसे बड़ी लड़ाइयों की लिस्ट में भीमा कोरेगांव का नाम बहुत ऊपर है। और एक तरह से निर्णायक लड़ाई, यहाँ पर एक फैसला होता है भारत, पूरे भारत जिसको आज हम भारत जानते हैं, उस पर शासन किसका होगा। और यहीं तय होता है कि ब्रिटेन जो है वो अल्टीमेटली पूरे भारत पर राज करेगा। बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। इस लड़ाई के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि 1927 में जो यहाँ पर जो सैनिक मरे थे उनकी स्मृति में एक स्तंभ खड़ा है, जिसको ब्रिटेन ने खड़ा किया था उस समय ब्रिटिश फौज ने, जिसको भीमा कोरेगांव स्तंभ के नाम से जानते हैं। 1927 में वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुँचते हैं और वो तस्वीर बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है जो आप लोगों ने देखी होगी। आज उस लड़ाई को तमाम तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं और कुछ लोगों के हिसाब से ये जो कहानी है वो भारतीय लोगों के विश्वासघात और दगाबाजी की कहानी है, जबकि विशाल एक जनसमूह है जो वहाँ हर साल इकट्ठा होता है लाखों की संख्या में और मानता है कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अपने आप के होने का सबूत देने की लड़ाई है, ये जातिवाद के खिलाफ भारत की एक निर्णायक लड़ाई है, ये भारत को एक लोकतांत्रिक भारत बनाने की दिशा की लड़ाई है, जहाँ पर यह तय होना है कि जो देश है वो सबका होगा, कुछ का नहीं होगा, कुछ लोग यहाँ अछूत रहेंगे, कुछ लोग सछूत रहेंगे, नहीं चलेगा। तो एक तरह से भारतीय समाज के समाज बनने की लड़ाई भी इसको लोग दर्ज करते हैं, दोनों तरह के लोग इसको देखते हैं। अभी हम उस पर बात करेंगे कि दरअसल कौन सही और कौन गलत है। अगर आप इतिहास की किताबों में इस युद्ध को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी किताबों में, एनसीईआरटी से लेकर स्टेट टेक्स्ट बुक और इवन यूपीएससी की तैयारियों की किताबें और कॉलेज की टेक्स्ट बुक में, आप इस युद्ध को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के रूप में इसको दर्ज किया गया है, तीसरा ब्रिटिश मराठा युद्ध, जो नाम दरअसल गलत है। और ये क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। ये नाम इसलिए गलत है कि एक तरफ ब्रिटेन की सेना थी, जो कि सच है, लेकिन दूसरी तरफ मराठा राज नहीं लड़ रहा था। मराठा राज इससे बहुत पहले का मतलब 1775 में ही
जो मराठा राज है वो खत्म हो गया था और पेशवाई ने उनका राज हड़प लिया था। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे का जो राज था, जो सातारा से चल रहा था, वहाँ पर एक तख्ता पलट होता है। पेशवा ये तय करते हैं कि पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा और वही राज चलाएगा। तो उन्होंने जो मराठा राजा हैं उसको, शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उनको सतारा के किलों के किले के अंदर वो उनको एक तरह से सीमित कर देते हैं और राज ले आते हैं पुणे में। पेशवाई पुणे से चलती है शनिवारवाड़ा से, जिसको भी आप लोगों ने पेश बाजीराव मस्तानी में उस फिल्म को देखा होगा, जहाँ नाच गान और रियासी के अलावा कुछ नहीं सुना है। तो एंग्लो मराठा वार अपने आप में एक गलत शब्दावली है। इसका सही नामकरण जो है, जो सच है कि वो एंग्लो पेशवा वार था। और ये लड़ाई पेशवा क्यों हारे इसकी एक अपने आप में कहानी है, क्योंकि जो लोग जब वहाँ के जो तथाकथित अछूत, जिनको उस समय अछूत माना जाता था, जब वो कहे कि हम लड़ना चाहते हैं आपकी सेना में आके, तो ये संभव नहीं था, क्योंकि उस समय बाकी जो सैनिक थे वो उनके साथ खड़े नहीं होते, या पेशवा ने भी तय किया कि नहीं, इनको हम साथ नहीं ले सकते हैं, ये संभव नहीं है। और वहाँ चूँकि जिस तरह का शासन था कि छाया पड़ जाने पर अछूत हो लोगों के लोग खुद को अपवित्र मान लेते थे, तो वहाँ साथ मिलकर कैसे लड़ सकते हैं। ब्रिटिश फौज में यह संभव था, तो उसमें मराठा महार सारे लोग मिलकर लड़े, जो ब्रिटिश वगैरह सारे लोग लड़े, सारे लोग में से कई लोग मरे भी उसमें से। तो ये जो एंग्लो मराठा वार है, इसको एक तरह से हमें लगता है कि सुधार करके करना चाहिए, इतिहासकारों को भी ठीक करना चाहिए, और हम लोगों को भी जब हम बोलते हैं तो इसको हमें लगता है कि ठीक करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में पीछे ले जाता हूँ। 1818 तो इतिहास का वो बिंदु है जिस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, लेकिन पेशवा, क्या पेशवा के विरुद्ध कोई लड़ाई नैतिक हो सकती है, जायज हो सकती है? क्योंकि उस समय तक भारत उस इस तरह का कोई नक्शा नहीं था, सब अपने अपने स्वतंत्र राजा थे, उनके अपने झंडे थे, अपनी सेनाएं थी, अपनी राजधानी थी और अपना विधान था, अपना नियम कानून था। तो इस तरह से एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में आप कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के छोर तक बहुत कुछ सांस्कृतिक समानताएँ रही हैं, तब इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से भारत उस समय तक एक राष्ट्र का रूप नहीं लिया था। वो राष्ट्र एक तरह से सबसे बड़ा जो एक शेप था वो मौर्य साम्राज्य के समय था, और उसके बाद फिर अकबर के समय था, लेकिन उसमें भी पूरा दक्षिण वाला हिस्सा नहीं था, जो औरंगजेब ने बाद में किया कोशिश की, और नहीं वो फाइनली पूरे दक्षिण तक नहीं पहुँच पाए। तो भारत जैसा एक तरह से राजनीतिक कुछ नहीं था, तो जो सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो पेशवा से लड़ रहे थे, पेशवा से विभिन्न कारणों से लड़ रहे थे, उसमें से कुछ कारण मैंने बताया कि लोगों स्वाभिमान की लड़ाई थी कि आप अपनी सेना में हमें लड़ने के भी काबिल नहीं मान रहे, तो हम दिखाते हैं हमारा क्या स्वाद है। और आप देखिए, फाइनली दुनिया ने देखा, सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया ने देखा। तो पेशवा क्या क्या कर रहे थे? पेशवा का राज अपने आप में बहुत बदनाम राज है। हम जानते हैं कि अगर आपने इवन बाजीराव मस्तानी में उनको अच्छा पेंट करने की कोशिश की गई है, फिर भी किले के अंदर वो नाच गाना या सी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को लाना, उसको ग्लोरीफाई करना, आपको पूरा एक बहुत ही अपवित्र किस्म का राज वो चला रहे थे। और जाति उत्पीड़न वगैरह तो खैर अपनी जगह है ही है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत नीतिगत रूप से राज नहीं कर रहे थे। इवन उनकी राजनीति भी बहुत दोषपूर्ण है। पेशवा अपना राज बचाने के लिए तमाम तरह के समझौते कर रहे थे। ब्रिटेन के साथ उनकी कोई उस तरह की लड़ाई नहीं थी, तब ब्रिटेन को, ब्रिटिश शक्तियों को अपने राजकाज में, अपनी राजधानी के अंदर, अपने इलाके में घुसने देने का काम भी एक तरह से पेशवा ने खुद ही किया है। और ये पीरियड है 1775 का। 1775 में आप पाएंगे कि पेशवा ने एक संधि की ब्रिटेन के साथ, भीमा कोरेगांव से बहुत पहले, और वो संधि सूरत की संधि के रूप में इतिहास की किताबों में दर्ज है, जिसमें कि पेशवा, क्योंकि उनको अपने राज के अंदर चुनौती मिल रही थी और उनकी अपनी दावेदारी बहुत संदिग्ध मानी जा रही थी, तो जिनसे चुनौती थी उनको निपटाने के लिए उन्होंने ब्रिटेन को अपने राज में घुसाया और सूरत की संधि की,
और वसई का किला उनको दे दिया, जब बम्बई के पास वसई विरार वाला, तो वहाँ का किला उनको सौंप दिया और एक तरह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के फैलने का एक तरह से रास्ता उन्होंने खोल दिया, जो बाद में फिर और काफ़ी पूरा भारत एक तरह से उनका हो गया एक पीरियड में। तो यहाँ एक पेशवा कोई बहुत पवित्र ढंग से राज नहीं कर रहे थे और वो राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसको नैतिक नहीं कहा जा सकता है। अभी मैं आपको दो युद्ध का जिक्र करूँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से एक अनैतिक गठबंधन अंग्रेजों के साथ पेशवा ने पहले पहले किया था। मैं आपको 1801 में ले चलता हूँ, क्योंकि शिवाजी महाराज विभिन्न अपने सिपाह सालारों के जरिए राज करते थे और वो उन्होंने सिपाह सालारों को इलाके सौंप दिए थे। तो इन इलाकों में सबसे बड़ा जो इलाका था वो शिंदे का था और वो शिंदे ग्वालियर से राज करते थे और वो राज दिल्ली के पास रोहतक तक और मुगल एक तरह से जहाँ पर दिल्ली के आसपास चूँकि वो सीमित हो गए थे बाद में चलते चलते, तो वहाँ तक मुगलों के साथ उनकी सीमा सट रही थी रोहतक तक और लगभग पूरा राजपूताना एक समय इनके प्रभाव में था। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक किलेदार या जो सिपाह सलार उनके हुआ करते थे वो होलकर थे जो इंदौर से राज कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बड़ौदा गायकवाड़ वहाँ से राज कर रहे थे। नागपुर भोंसले उनका राज चल रहा था। जबलपुर पवार ये उनके महत्वपूर्ण सिपाह सलार थे जिनके अलग अलग राज्य चल रहे थे। जब अंग्रेजों ने अपना प्रभाव विस्तार करना शुरू किया और पेशवा को जब देखा इन सारे सिपाह सलारों ने और सारे योद्धाओं ने और सारे राजाओं ने कि पेशवा इनके साथ मिलजुल कर चल रहा है, तो इन्होंने आपस में ये तय किया हम चुनौती देते हैं ब्रिटेन को, हम इस तरह से उनको एक एक राज्य में घुसने नहीं देंगे वरना ये पूरे देश में छा जाएंगे। और करते करते ये हुआ कि 1801 में दो सेनाएं फिर आमने सामने हुई। एक तरफ इस ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें कि एक तरफ ब्रिटिश पेशवा और मुगल ये तीनों एक साथ खड़े। अभी लोग कहते हैं कि सिंधिया ने गद्दारी की, देखिए गद्दारी कौन कर रहा है। और यहाँ जब नानाजी पेशवा 1857 फिर से क्रांति करेंगे तो क्यों साथ दे सिंधिया उनका, इतिहास का बहुत बड़ा सवाल है। अभी जब ग्वालियर नागपुर और इंदौर शिंदे भोंसले और होलकर अंग्रेजों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं 1801 में, तब पेशवा ब्रिटेन और मुगलों के साथ मिलकर इनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली आप देखिए जब ये इस तरह से ये युद्ध होता है 1801 का सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और इसमें जो मराठा सारे राजा थे वो हारते हैं और अंग्रेज और पेशवा की जीत। ये सब इतिहास की पेचीदगियाँ हैं जिसको समझना पड़ेगा। सीधे सीधे किसी को गद्दार और किसी को राष्ट्रभक्त बताना बहुत सिंपल है, उतना सिंपल इतिहास होता नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत पेचीदा गलियों में आपको ले चलूँगा, एक से एक उलझती हुई पेचीदा गलियाँ सांप की तरह। इसके अलावा एक और युद्ध होता है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792, दो ढाई साल तक युद्ध चला है। इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ जब पेशवा की ये सारी हरकतें दिख रही हैं तब टीपू सुल्तान खड़े होते हैं, हैदर अली उनके पिता खड़े होते हैं कि हम अंग्रेजों को नहीं घुसने देंगे, बाकी आपस की लड़ाइयाँ चलने देते हैं। तमाम तरह के वो समझौते वगैरह करते हैं, दो लड़ाइयों में उनकी ठीक ठाक स्थिति रहती है। तीसरी लड़ाई 1790 में होती है। अब इसमें लाइनअप देखिए कौन किस तरफ खड़ा है। एक तरफ टीपू सुल्तान खड़े हैं और उनके साथ फ्रांस खड़ा है जिसका बहुत छोटी ताकत है, लेकिन फिर भी उनके वो तोपखाना वगैरह फ्रांस उनके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ कौन खड़ा है ब्रिटेन के साथ, पेशवा, निजाम, सिख और ट्रावनकोर स्टेट केरल। ब्रिटेन के साथ पेशवा ने तीसरी संधि की, अपने देश के अगर देश मान लें उसको तो अपने देश के एक राजा के खिलाफ पेशवा तीसरी बार संधि करते हैं कि हराना है हमको टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान के राज में हमको थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, कुछ इलाका हमको मिल जाएगा। और फाइनली ये होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान हारते हैं, मैसूर राज्य का एक हिस्सा निजाम हड़प लेते हैं और एक हिस्सा मराठा लोगों के हाथ में आता है और ब्रिटेन बड़ा हिस्सा ले लेता है।
ब्रिटेन तो ताक में था कि आपस में लड़ें तो बाकी तो हम अपना अपना रास्ता वो बना ही लेंगे। तो ये इस तरह से अगर आप देखें तो पेशवा जिन हरकतों में थे और जिन हरकतों को वो कर रहे थे सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और उसके अलावा अनैतिक कार्यों में लिप्त थे, उसके खिलाफ लड़ी हुई कोई भी लड़ाई भारत के खिलाफ लड़ाई नहीं है, वो एंटी इंडियन कोई वॉर नहीं है। और इसलिए उस लड़ाई में जो ब्रिटेन के साथ थे वो योद्धा थे और सारे लोग ब्रिटेन की फौज में थे, तो इसलिए अगर कोई किसी जाति को उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहिए, कोई ये श्रेय भी ले तो गलत है कि ब्रिटेन की फौज में सिर्फ महार थे, उस फौज में बहुत बड़ी संख्या में मराठा भी थे और ब्रिटिश तो थे ही थे, तो और तमाम जातियों के लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय तक जाति आधारित सेना बनाना शुरू नहीं किया था, ये बहुत बाद की कहानी है। उस समय तक उस तरह के रेजिमेंट्स नहीं थे जो आज सिख जाट वगैरह रेजिमेंट्स हैं, ये सब उन्होंने बहुत बाद में मेरे ख्याल से ये बल्कि उस कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि किस तरह से मार्शल रेस थ्योरी आती है और क्या क्या होता है। देखिए, ब्रिटेन का ने पहली बार पैर जमाया है बंगाल से, कलकत्ता में वो अपना पहला अपना क्षेत्र बनाते हैं, फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, गोदाम एक तरह से होता है सामान वगैरह का, और वहाँ पर जहाज आके टिकते हैं, वहाँ पर वो जम जाते हैं और उसके बाद पलासी की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई होती है, फैलते फैलते वो अवध होते हुए लगभग वो उनकी सीमा सटने लगती है दिल्ली के आसपास तक। इसको लेकिन वो बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं, बेशक वो उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार यूपी का है लेकिन वो बंगाल प्रेसिडेंसी कहते हैं। और अंग्रेजों की सेना में शुरुआती जो लोग आते हैं वो इसी इलाके से आते हैं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और इसमें सबसे बड़ी संख्या, इसके बारे में आप अगर भारतीय सेना का इतिहास का अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या है वहाँ पर आती है इसी यूपी और बिहार से आती है। इसमें शाहबाद और ये जो इलाका है आपका भोजपुर वाला, वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिक आते हैं, और बलिया गोरखपुर से लेकर वो जो पूर्वांचल है वहाँ से अवध से काफ़ी सैनिक आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मंगल पांडे जो है वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में है, और अगर उनको ये शक नहीं होता कि इस कारतूस में गाय की चर्बी है तो उनकी जो बंदूक है वो भारतीय लोगों पर ही चल रही होती। 1857 एक तरह से भारतीय फौज के इतिहास का एक प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसमें लगभग 70% के आसपास फौज जो है वो इसी इलाके से आती है, और उसमें सबसे बड़ी संख्या जो है ब्राह्मणों की है, और उसके अलावा फिर राजपूतों की बड़ी संख्या है जिसको ठाकुर वगैरह के नाम से जानते हैं अलग अलग जगहों में। ये सेना जो है, ये जो 1857 का विद्रोह है, क्रांति है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, जिस भी आप नाम से जानना चाहें बोलना चाहें, इसमें जब ये सेना लड़ती है अंग्रेज़ों के खिलाफ, कई जगह जो होता है मेरठ से लेकर बैरकपुर तक, ये पूरा क्षेत्र है जो 1857 का, और इधर दक्षिण में आपको झांसी से होते हुए ग्वालियर और नीचे तक, ये इस इलाके में जब लड़ाई होती है तो देश के कुछ इलाके इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि वो अंग्रेज़ों की फौज में उसमें बड़ी संख्या में शामिल होते हैं, और वो इलाका है आज का जो दिल्ली के बाद का, उस समय पंजाब माना जाता के अंदर आता था, दिल्ली भी उस समय पंजाब का एक जिला था, तो दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब हरियाणा का राजस्थान कठुआ का इलाका, और उधर फिर लाहौर पेशावर से होते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक, इस इलाके से अंग्रेज़ों ने फिर बड़ी संख्या में फौज लाना शुरू किया, और यहाँ तक स्थिति हो गई कि 1943 आते आते जो ये ग्रेटर पंजाब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वगैरह मिलाकर यहाँ के फौजियों की संख्या 58% हो गई भारत की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसमें। यहीं पर वो ये इलाका जो है वो सेना प्रोवाइड करने लगा, क्योंकि ये जो इलाका था ये 1857 में नहीं लड़ रहा था, और इस इलाके से बड़ी संख्या में जब फौज आने लगा तो एक तरह से ये भी एक समस्या हुई, बल्कि जब 1947 में विभाजन का समय आया तो इस इलाके से मुस्लिम भी बहुत बड़ी संख्या में थे, और टोटल भारतीय फौज में बहुत बड़ी संख्या, लगभग आधी से ज़्यादा संख्या मुसलमानों की थी उस समय, क्योंकि वो इसी इलाके से फौजी ले रहे थे वो, और मार्शल रेस की थ्योरी इसी हिसाब से बनाई गई कि 1857 में कौन हमारे साथ
हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहा था, इससे एक तरह से उन्होंने मार्शल वेस को बनाया। और फिर जब एक पीढ़ी लड़ने लगती है तो अगली पीढ़ी भी आ जाती है, जनरेशनल एक परंपरा है सारी दुनिया में ही। तो इस इलाके से चुके आने लगे तो वो फौज के लिए और तैयारी करने लगे, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये एक बड़ी समस्या थी जिसका अब धीरे धीरे समाधान उसका हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल में जो जाति या इलाका आधारित सेना है वो भारत में रेजिमेंट्स वगैरह है वो धीरे धीरे विलीन हो भी रही है, और एक इन्फेंट्री के अलावा कहीं पर वो है भी नहीं, ज़्यादातर फौज के अंगों में वो जाति या इलाका आधारित विभाजन नहीं है। इसमें असल में दो इलाके 1857 के बाद फायदे में रहे जहाँ से बड़ी संख्या में फौजी आए, एक तो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हरियाणा वगैरह का जो इलाका है वो, और दूसरा इलाका नेपाल और उत्तराखंड जिसको आज की तारीख में हम जानते हैं, गढ़वाल कुमायूं, ये एक तरह से कभी गुरखा शासन के अधीन भी था। तो इस इलाके से करीब 20% फौज आए और पंजाब और उस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से 50% से ज़्यादा फौज आई। कुछ इलाकों से फौज लेना बंद कर दिया उन्होंने, जैसे यूपी बिहार वगैरह से खास करके बहुत कम फौजी लिए गए, और उसके बगैर ही उन्होंने चलाया। उसमें मार्शल वेस की थ्योरी आई जो दुनिया में आज की तारीख में पूरी तरह से खारिज हो चुकी है, भारत में भी खारिज हो चुकी है, सेना उसको खारिज कर चुकी है। खैर अस्तु, तो यहाँ से असल में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि भीमा कोरेगांव को लेकर अलग अलग चिंतन है, सोच है। एक जो सरकारी चिंतन है, जो टेक्स्ट बुक का चिंतन है, मेरे ख्याल से उसमें दोष है। उसमें दोष ये है कि वो इसको भारत के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखता है, दूसरा वो मराठा और ब्रिटेन के खिलाफ की लड़ाई के तौर पर देखता है, और इस वजह से फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इतिहास के पुनर्लेखन होता रहा है। जो ब्रिटेन जब भारत पर राज कर रहा था उस समय का जो इतिहास पढ़ाया जाता था वो इतिहास आज हम नहीं पढ़ाते, और भारत और पाकिस्तान दोनों देश इतिहास की एक ही घटनाओं को अलग अलग ढंग से देखते हैं। तो इतिहास, क्योंकि भारत का लगातार लोकतांत्रिकरण हुआ है 75 साल में और भी हो रहा है, तो इतिहास किताबों का भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है ये होगा। इसमें जो मैं आपको पेचीदगियाँ बता रहा हूँ, ये बहुत लंबी पेचीदगी है, और एक ही टेक में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत सारे फैक्ट हो सकता है कि इसमें मुझसे छूटे होंगे। तो हालांकि कोशिश हुई थी, एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि कभी कोशिश नहीं हुई थी कि मिलकर इसके एक बार निपटा लेते हैं, लेकिन वो सब कोशिशें कामयाब नहीं हुई अपने अपने स्वार्थों के कारण। और इसमें एक और आखिरी चीज़ कि सिंधिया को मेरे ख्याल से कोई इस बात के लिए दोषी न ठहराए कि वो युद्ध में क्यों नहीं शामिल हुए, क्योंकि जब सिंधिया लड़ रहे थे तो पेशवा नहीं शामिल हुए, तो पेशवा के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही थी उसमें सिंधिया कैसे शामिल हुए, इस बात को बहुत बारीकी से समझिए। जब 1801 में ब्रिटेन को भगाने के लिए सिंधिया लड़ रहे थे, उस समय पेशवा ब्रिटेन के साथ थे, तो पेशवा जो बिठूर में आए और नानाजी पेशवा के नेतृत्व में एक लड़ाई ब्रिटेन के खिलाफ हो रही थी, तो ये एक तरह से जैसे को तैसा जैसा ही आप इसको देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सिंधिया को किसी भी हालत में कोई अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अंग्रेजों के मित्र तो उससे ज़्यादा पुराने मित्र तो पेशवा हैं, पेशवा ने तो बार बार भारतीय राजाओं के खिलाफ लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया है, टीपू सुल्तान के खिलाफ हो, सिंधिया के खिलाफ हो, होलकर के खिलाफ हो, गायकवाड के खिलाफ, सबके खिलाफ तो पेशवा लड़ रहे हैं, अपने राज में उन्होंने उनको इतना बड़ा बना दिया है। तो इतिहास को मुझे लगता है कि पुनर्लेखन होना चाहिए, होता भी है, लगातार हो रहा है, जिसकी सरकार आती है वो थोड़ा थोड़ा पुनर्लेखन कर लेता है, तो इसको ढंग से ये लगता है कि किया जाना चाहिए, और एक सुसंगत वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव तरीके से इतिहास लिखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।